कानपुर में डीएम के फर्जी हस्ताक्षर का ये मामला। फर्जी हस्ताक्षर से खंड शिक्षा अधिकारी सस्पेंड। इस तरह की बात प्रकाश में आई है, अभी वो खंड शिक्षा अधिकारी आकर के मिले भी थे। इसके पहले भी इस तरह की बात प्रकाश में आई थी कि नगर निगम के भी किसी अधिशासी अभियंता के मामले में इस तरह से जिलाधिकारी के हस्ताक्षर की रिपोर्ट भेजे जाने की बात है और उसके आधार पर शासन से कार्रवाई की बात आई है। इनके मामले को भी हम देख रहे हैं। जहां तक हमारी जानकारी है, निर्वाचन कार्यालय के द्वारा या मेरे स्तर से इस प्रकार की कोई रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को नहीं भेजी गई है। उनसे खंड शिक्षा अधिकारी से कहा गया है कि अपनी जो बात है वो बता करके हमको प्रस्तुत करें और निदेशालय में भी और शासन में भी जाकर के मिलें और इस चीज़ को दिखवाया जा रहा है। और अगर इसमें इस तरह की बात है कि जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से अगर कोई इस तरह की रिपोर्टें भेज रहा है तो अपने मामले में बड़ा गंभीर स्थिति है और इसमें जरूर इसमें कड़ी कार्रवाई करानी है। मुझे ये पता चला कुछ लोगों ने साजिश फर्जी शिकायत की है, उसमें जिलाधिकारी महोदय की साइन से और बाकायदा डिस्पैच करके एक पत्र गया है शासन में कि ये कुछ पार्टियों का प्रचार करते हैं और जो है इनको विद्युत निलंबन की या अन्यत जनपद स्थानांतरण की कार्रवाई की जाए। इस ढंग से एक लेटर गया हुआ है। मैं एडीएम सर से मिला, मैंने पूछा सर उसमें लिखा बाकायदे एडीएम सर ने जांच की है, ऐसा मुझे पता चला। सर से मैं मिला तो उन्होंने बताया मैंने कोई जांच नहीं की है, यहाँ मेरे संज्ञान में ऐसा कोई पत्र नहीं हुआ। कानपुर से हमारे रिपोर्टर अनुराग अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये वाकई एक गंभीर मामला है, इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या अपडेट है? बिल्कुल पूजा, ये बहुत ही गंभीर विषय है और खासकर इसलिए क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि डीएम होता है उसके फर्जी हस्ताक्षर से इस तरह के निलंबन की संस्तुति हो रही है और कहीं ना कहीं इसको हम लोग चुनावी फर्जी वाले के हिसाब से देख सकते हैं क्योंकि 19 तारीख को यहाँ पे चुनाव खत्म हो चुके हैं लेकिन आपसी रंजिश जरूर शुरू हो गई है उन प्रत्याशियों के बीच में जिनके बीच में चुनाव था और यही कारण है कि कहीं मारपीट की बातें सामने आई थी कानपुर में और उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा करने की और इसी के तहत अभी एक नई चीज मानी जा रही है कि कुछ लोग आपस में प्रत्याशियों के बीच में इस तरह की चीजें हो रही हैं कि फर्जीवाड़ा करके इस तरह से जो दूसरे अधिकारी हैं उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाए और कहीं ना कहीं दो दिन के अंदर ये दो तीन मामले एकदम से ऐसे आ गए और इसी की वजह से पूरे डीएम ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ है और फिलहाल इस पूरे मामले की जब तह तक पहुंचा गया तब ये पता चला कि डीएम के हस्ताक्षर फर्जी थे और जो निलंबन की संस्तुति हुई है जो शासन तक भेजी गई है तो फिलहाल इस मामले में पूरी जांच की जा रही है और प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि अगर इसमें कोई भी पकड़ में आता है या कोई भी इसमें खुलासा होता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी पूछा जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो खबर कानपुर से जहां डीएम के फर्जी हस्ताक्षर का मामला सामने आया है, फर्जी हस्ताक्षर से खंड शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं।